हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम, बच्चों की आंखों में काजल लगाना सेफ है कि नहीं, क्या हम बच्चे को काजल लगा सकते हैं? तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई दंपत्ति पहली बार माता पिता बनते हैं तो वो बच्चे से रिलेटेड छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते हैं। बहुत माता पिता क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम, क्या हम अपने बच्चों की आंखों में काजल लगा सकते हैं? काजल लगाना बच्चों के लिए कितना सेफ है? क्या काजल के प्रयोग से बच्चों की आंखों में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर्स की माने तो बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। वैसे काजल लगाना हमारे यहाँ पर बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। दादी नानी का माने तो काजल लगाना बच्चों की आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उनके हिसाब से काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं। काजल लगाने से बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती है। काजल लगाने से बच्चों को धूप में बचाव होता है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पुराने समय से काजल लगाया जाता है। लेकिन डॉक्टर इन सभी बातों को बिल्कुल मना करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने से बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि काजल लगाने से बच्चे को किन किन चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रमण की। अगर आप बच्चे की आंखों में काजल लगा रहे हैं और बच्चों की आंखों में तुरंत पानी आ जाता है, इससे बच्चों को आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण अपने बच्चे की आंखें में दिख रहा है तो बिल्कुल भी बच्चों की आंखों में काजल ना लगाएं। एलर्जी होने का खतरा। अगर आपके बच्चे की आंखों में आप रोज काजल लगा रहे हैं और बाजार से लेकर आप काजल लगाते हैं कि बेबी के लिए बहुत ही अच्छा सा काजल दे दीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो बच्चों की आंखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जिसके कारण बच्चों की आंखों में एलर्जी होने की समस्या हो जाती है। खुजली होने की समस्या। आप जब बच्चे की आंखों में डेली काजल लगाते हैं तो बच्चे की आंखों में थोड़ा थोड़ा सा काजल रोज जमने लगता है, क्योंकि आप डेली लगाते हैं, बच्चे की आंखें अच्छे से साफ नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से रोज थोड़ा थोड़ा काजल उनकी आंखों में जम जाता है। इसके कारण बच्चे को खुजली होने की समस्या हो जाती है। बच्चा आंखों को लगातार खुजाने लगता है। लेड की मात्रा अधिक होने के कारण काजल का बुरा असर बच्चों के दिमाग पर भी पड़ता है। इससे बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी काजल बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। स्किन संबंधी प्रॉब्लम। काजल अगर आप बच्चे को लगा रहे हैं और काजल अगर आपने लगाया और उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो बच्चे को सूट नहीं करते हैं, तो बच्चे की आंखों पे आप यहाँ काजल लगा रहे फैल जाता है। इससे बच्चे को स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए भी काजल लगाने की सलाह बच्चों को नहीं दी जाती है। तो ये तो मैंने कुछ बात करी बच्चों को काजल लगाने से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप तब भी बच्चे को काजल लगाना चाहती हैं तो उससे पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि अगर आपने बच्चे की आंखों में काजल लगाया है और बच्चे की आंखों में खुजली हो रही है तो तुरंत बच्चे की आंखें पानी से धो दें और कोशिश करें कि बच्चे की आंखें बिल्कुल साफ हो जाए। अगर बच्चे की आंखों में आप काजल लगा रहे हैं तो काजल बच्चे की आंखों के अंदर ना लगाएं। कुछ लोग इस तरीके से यहाँ पर काजल लगाते हैं, तो बच्चे की आंखों के अंदर काजल ना लगाएं, काजल केवल बाहर की तरफ लगाएं, जिससे कि बच्चे को काजल से कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे की आंखों में काजल लगाने के लिए आप कोशिश करें कि काजल घर पर ही बनाएं, बाजार का निकला हुआ काजल ना लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं तो वो बच्चे के लिए सेफ नहीं होती हैं। बच्चे को रात में सुलाने से पहले काजल को अच्छी तरीके से साफ कर दें, जिससे कि रात में बच्चे को काजल की वजह से कोई परेशानी ना हो। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखें अगर आप बच्चे की आंखों में काजल लगाना चाहती हैं। काजल को बहुत ही आसानी से आप लोग घर पर भी बना सकते हैं। काजल को आप चाहे तो बादाम का काजल बना सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चे के लिए। बादाम को किसी भी चाकू में लगाकर आप या तो गैस पर हल्का सा उसको ऐसे गर्म कर लीजिए काजल में, या मोमबत्ती से उसमें थोड़ा सा आग लगा दीजिए। काजल बादाम जो होता है आग पकड़ लेता है, इससे वो जलने लगता है। तो बादाम जब जल जाता है तो उसमें हल्का सा, आपको ये डेली बनाना होगा, लेकिन इस काजल को आप बनाकर नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा बनाइए और इसको हल्का सा अपनी उंगली पर लगाइए और उसको इस तरीके से चिकना कर लीजिए, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल भी उसमें दाना नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे की आंखों में खुजली हो सकती है। तो बिल्कुल उसका वो चिकना कीजिए और उसको बच्चे की आंखों में लगा दीजिए, वो भी बहुत हल्का ही आपको लगाना है। इससे बच्चे को थोड़ा सा आसानी होगी चीजों में, बच्चे की आंख में खुजली नहीं होगी।
तो ये काजल भी बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। आप इस काजल को बनाकर भी बच्चे को लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, काजल लगाने से बच्चे की आंखें चमकदार हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चला आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा होने लगता तो सभी लोग बहुत ज्यादा बच्चों की आंखों में काजल लगा देते। ऐसा नहीं होता है। आंखें हो, फेस हो, कलर हो, सब भगवान ऊपर से देता है कि ये इंसान का ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर काजल लगाया तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इस चीज को बच्चे पर कभी भी, इन चीजों को बच्चे पर कभी भी अप्लाई ना करें। बच्चे पर अगर आप कुछ चीजें करना चाहते हैं तो मिथ के हिसाब से ना करें कि बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी इसलिए मैं काजल लगा रही हूँ, बच्चा मेरा बिल्कुल गोरा हो जाएगा इसलिए मैं उस पर बेसन लगा रही हूँ। ऐसे मिथ बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना अपनाएं। बच्चे गॉड गिफ्ट होते हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो आज का वीडियो बस मेरा यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।